इंडस्ट्री में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता है, सबसे ज्यादा फ्लर्टिशियस कौन है, तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? कौन सा ऐसा एक्टर है जिसका नाम आपके दिमाग में, आपके जहन में आता है जब हम बात करते हैं कि फ्लर्ट कौन करता है, सबसे ज्यादा फ्लर्टी कौन है इंडस्ट्री में? वेल, आप सोच रहे होंगे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, इस तरीके के नाम आपके जहन में आते होंगे। लेकिन पिछले जमाने में, रेट्रो जमाने की अगर बात करें, तो उस जमाने में सबसे ज्यादा फ्लर्टिशियस इंसान कौन था? कौन था आखिर वो एक्टर जो काफी ज्यादा फ्लर्ट करता था सारे एक्ट्रेसेस के साथ, जिन जिन के साथ वो काम करता था उसके साथ तो फ्लर्ट करता ही करता था, और वैसे भी जितने भी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस थी उनके साथ भी वो कहीं ना कहीं किसी पार्टीज में, किसी इवेंट में लगा ही रहता था, फ्लर्ट करने की कोशिश लगातार ही करता रहता था। वेल, इस फ्लर्टिशियस एक्टर का नाम अब सामने आ चुका है, और सामने नाम किया है उन्हीं की को एक्ट्रेस जिन्होंने लगातार खूब सारे फिल्म जो है इस एक्टर के साथ दिए थे। इन दोनों की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। ये एक्टर और कोई नहीं है बल्कि, थोड़ी देर बाद बताती हूँ एक्टर कौन है, पहले ये बात आई कहाँ से, शुरू कैसे हुई ये बताते हैं। वेल, कपिल शर्मा के शो पर इस बार बतौर गेस्ट इनवाइट किए गए हैं राज बब्बर और बीते दिनों की खूबसूरत अदाकारा जया प्रदा। इन दोनों को साथ में कई सारे फिल्मों में भी देखा गया है, लेकिन महज 17-18 सालों के बाद फिर से वापसी कर रहा है ये जोड़ा एक बार सबके सामने, अपने एक्टिंग स्किल्स को फिर से दिखाने आ रहे हैं ये दोनों साथ में। बहुत अरसा लग गया, बहुत वक्त लग गया, बहुत साल बीत गए उसके बाद जो है सामने ये आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंतजार तो बहुत करा है अपने फैंस को। लेकिन उसी मूवी के प्रमोशन के लिए ये सामने आए थे कपिल शर्मा के शो पर, जहाँ पे खूब सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। काफी एक्साइटिंग शो ये होने वाला है, आप इसको वीकेंड पर देख सकते हैं। तो होता ऐसा है कि बैक टू बैक काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं कपिल शर्मा जयाप्रदा से, जिसमें बड़े ही बेबाकपनी के साथ जयाप्रदा जवाब भी देती है, लेकिन एक ऐसा सवाल पूछ देती है कपिल शर्मा जहाँ पर वो अटक जाती हैं और राज बब्बर की तरह देखना शुरू कर देती हैं, और कहती है राज मैं बोलूँ, मैं जवाब दे दूँ इस चीज का या ना दूँ, इस पर राज बब्बर बोलते हैं क्यों ना बता दो बिल्कुल। तो फिर वो कहती है बिल्कुल सहमी हुई धीमी आवाज में कि धर्मपाजी, धर्म जी, दो तीन बार वो कहती है धर्म जी, काफी ज्यादा फ्लर्टिशियस थे। हालांकि जया प्रदा और धर्मेंद्र दोनों ने काफी हिट फिल्में दी हैं, एक टाइम पे इन दोनों की यू नो जोड़ी को बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत पसंद किया जाता था ऑन स्क्रीन। ऐलान-ए- जंग, पापी देवता, इंसाफ कौन करेगा, फरिश्ते, ये सारी हिट फिल्में हैं जो इन दोनों ने साथ मिलकर दी है, और कहती है कि धर्मपाजी के साथ मेरे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और वो मेरे लिए हमेशा से काफी प्रोटेक्टिव रहते थे, काफी आदर सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अगर उनके एक पर्टिकुलर नेचर की बात करें तो धर्मेंद्र का नेचर ऐसा था कि वो सारी एक्ट्रेसेस पर अपना दिल डोल बैठते थे, मतलब सभी पर अपने डोरे डालते थे और सभी के साथ हेल्दी फ्लर्टिंग करते हुए नजर आते थे। तो धर्मपाजी हैं बीते दिनों के ऐसे एक्टर जो फ्लर्टिशियस थे, काफी फ्लर्ट करते थे, और इसी वजह से हम उन्हें फ्लर्टी किंग बुलाना चाहते हैं।